सो आज की वीडियो होने वाली ह्यूज मीशो समर टॉप्स ऑल एंड मैंने मंगवाई है 15 टॉप्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर अंडर 200 और 300 ओनली एंड एक दो टॉप्स के प्राइस 300 समथिंग कुछ होगा. तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखना एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो फर्स्ट है मेरे पास ये क्यूट सा टॉप. तो इसमें ऐसे आपको ऑफ शोल्डर वाली पैटर्न मिल जाती है या आप इलास्टिक लगाई हुई है जिसकी वजह से ये एकदम शोल्डर पे स्टिक होकर रहता है. एंड इसमें आपको ऐसे स्ट्रैप भी मिल जाता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है एंड इसका लुक बहुत अच्छा आता है. और इसके फ्रंट में देख सकते हो ऐसी बो बनी हुई है एंड ऐसे ब्यूटीफुल कॉलर के साथ नीचे लेस लगाई हुई है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है. एंड इसके बैक पे भी आपको सेम कॉलर के साथ ऐसी लेस वाली डिटेलिंग मिल जाता है. एंड ये क्रॉप टॉप है बट इसका लेंथ एकदम डिसेंट है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं है एंड आई एम इन द साइज स्मॉल. एंड गाइस ये बहुत ही प्रिटी लगता है पहनने के बाद, इट्स गिविंग मी सो मच कोरियन एंड पिंटरेस्टी वाइब्स, आई जस्ट लव इट. एंड इसमें आपको और दो कलर ऑप्शन मिल जाता है, ब्लैक एंड वाइट, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो. और इसका जो फैब्रिक है दिस इज़ रिप्ड फैब्रिक एंड इट्स सुपर डुपर स्ट्रेचेबल, यू कैन सी. सो इसका जो प्राइस है इट कॉस्ट मी जस्ट 286 रुपीज़ एंड मैंने इसको पहनी थी ये वाला वाइट स्कर्ट के साथ जिसको भी मैंने मीशो से ही लिया था. सो इसका भी लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगी. ये भी 200 समथिंग कुछ का है एंड इसका क्वालिटी भी बहुत ही अमेजिंग है. सो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो. सो चलो नेक्स्ट दिखा दे. नेक्स्ट है ये वाला टॉप एंड इसमें आपको कुछ ऐसा वाला नेक मिल जाता है स्वीट हार्ट पैटर्न में, यहाँ पे ऐसे लेस लगा हुआ है एंड अंदर यहाँ पे इलास्टिक लगाई हुई है. और फ्रंट में आपको दो डोरी मिल जाती है, इसको आप ऐसे नॉर्मल नेक पे ट्राई कर सकते हो या फिर ऐसे क्रिस क्रॉस तरीके से भी पहन सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है. एंड इसमें आपको फुल स्लीव्स मिल जाता है. इसका जो फैब्रिक है ना ये भी रिफ्ट फैब्रिक है एंड काफ़ी स्ट्रेचेबल है, यू कैन सी. सो इसमें मैंने लिया है स्मॉल साइज़ एंड इसका जो फैब्रिक है ना बहुत ही पतला सा सॉफ्ट सा फैब्रिक है, एकदम समर अप्रोप्रिएट है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. इसमें शायद और दो कलर ऑप्शन मिल जाता है एंड इट कॉस्ट मी जस्ट 259 रुपीज़. सो दिस इज़ सुपर डुपर अफोर्डेबल, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट अगर आपको ये अच्छा लग रहा है. सो नेक्स्ट आई हैव विद मी इज़ दिस टॉप. तो इसका नेक देखो कितना सुंदर है, ऐसे स्क्वायर नेक मिल जाता है ऐसे लेस वाली डिटेलिंग के साथ जो कि फ्रंट बैक दोनों तरफ दिया हुआ है एंड ऐसे स्लीव्स मिल जाता है सेम लेस वाली डिटेलिंग के साथ. एंड इसके फ्रंट में देखो यहाँ पे एक बो मिल जाता है बहुत ही क्यूट सा एंड इसका लेंथ आप देख सकते हो ट्राई ऑन पे, ये थोड़ा सा क्रॉप है बाकियों के कंपेरिजन में. एंड यहाँ पे आपको एक अंदर इलास्टिक मिल जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा वाला लुक आ रहा है दोनों तरफ से, बहुत ही क्यूट सा टॉप है एंड ये भी स्ट्रेचेबल है रिफ्ट फैब्रिक में. मैंने इसमें लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़, तो मैं इसको आपको हाईली रिकमेंड करूँगी. मुझे ये टॉप बहुत ही सुंदर लगा, इट कॉस्ट मी जस्ट 220 रुपीज़. तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. इसको भी मैंने सेम वाइट स्कर्ट के साथ पहना है जो मैं फर्स्ट दिखाई थी आपको. सो मेरी तरफ से इसके लिए भी हाँ है, आप ले सकते हो. उसके बाद है ये वाला टॉप एंड इसका पैटर्न थोड़ा सा यूनिक है, आप साइड में फ़ोटो पे देख सकते हो. तो ऐसे राउंड नेक मिलता है एंड फ्रंट का पैटर्न देखो, इसके लेफ्ट साइड में ऐसा दो डोरी मिलता था जिसको ऐसे आपको टाई करना है यहाँ पे, तो मैंने ऑलरेडी टाई करके रखा है जिसकी वजह से कुछ ऐसा इफेक्ट मिल रहा है. आप इसको और भी ऊपर टाई कर सकते हो एंड राइट साइड पे यहाँ पे आपको ऐसे कट मिलता है, तो मैं लुक दिखा दूँगी ट्राई ऑन पे, आप देख लेना. एंड ऐसे फुल स्लीव्स मिलता है और इसका भी फैब्रिक है रिप्ड एंड काफ़ी स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट सा पतला सा है, आप इसको समर में पहन सकते हो. ब्लैक कलर की कोई बॉटम वेयर के साथ पहनना बहुत ही अच्छा लगेगा इसका कलर कम्बिनेशन. सो मुझे ये टॉप भी बहुत ही सुंदर लगा प्राइस के अकॉर्डिंग, इट कॉस्ट मी जस्ट 223 रुपीज़. तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, क्वालिटी एंड ऑल एकदम 10/10 है.
सो नेक्स्ट आई हैव विथ मी दिस टॉप एंड ये चेक पैटर्न में टॉप है, आप देख सकते हो। इसमें ऐसे डोरियो वाला स्लीव्स मिलता है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग टाई कर सकते हो, तो मैंने इसको कुछ ऐसे ही टाई करा है। एंड इसका फ्रंट एंड बैक आपको इलास्टिकेटेड मिल जाता है एंड लोअर पे पेपलम वाली डिटेलिंग मिलता है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है एंड बहुत ही क्यूट सा टॉप है। इसमें आपको और एक कलर ऑप्शन मिलता है पिंक एंड वाइट के कम्बिनेशन पर, मुझे ये वाला कलर ट्राई करना था, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इसमें भी लिया है स्मॉल साइज़ एंड इसका जो फैब्रिक है ना, इट्स कॉटन फैब्रिक, तो आप लुक देख लेना ट्राई ऑन पे कैसा लग रहा है। क्यूट सा टॉप है एंड इसका प्राइस है 242 रुपीज़। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, क्वालिटी एंड वॉलीस 10/10। उसके बाद मैंने लिया है ये क्यूट सा टॉप, तो इसका नेक का पैटर्न देख सकते हो एंड इसकी फ्रंट में ऐसे क्यूट सा रैबिट बना हुआ है। आई जस्ट लव द प्रिंटिंग एंड इसका भी जो फैब्रिक है ना, ये भी रिफ्ट फैब्रिक है एंड काफ़ी स्ट्रेचेबल है इसका फैब्रिक। ये वाइट कलर है, दैट्स वाई इट्स अ लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी बहुत ही थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर आप कुछ वाइट इनर पहन लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड आई एम इन द साइज स्मॉल। इसमें आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से लार्ज तक साइज मिल जाएगा एंड ये क्रॉप टॉप है बट इसका लेंथ देख सकते हो एकदम सही है, बिल्कुल छोटा नहीं है। सो आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। इसका प्राइस है जस्ट 206 रुपीज़, सो दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। नेक्स्ट है ये वाला टॉप, इसमें ऐसे नेक मिल जाती है एंड इसकी फ्रंट में ऐसे क्यूट सी बटरफ्लाई बनी हुई है, यू कैन सी, ये भी बहुत ही क्यूट लग रहा है। एंड इसमें भी मैंने लिया एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ एंड इसका फैब्रिक देख सकते हो काफ़ी स्ट्रेचेबल है एंड पतला सा सॉफ्ट सा फैब्रिक है, एकदम समर अप्रोप्रिएट। तो ये भी एक क्रॉप टॉप है, इसका लेंथ एंड लुक अप ट्राई ऑन पे देख लेना, मुझे तो ये टॉप भी बहुत ही सुंदर लगा एंड इसका प्राइस है जस्ट 210 रुपीज़। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सुंदर सा टॉप है एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। नेक्स्ट है ये वाला टॉप एंड ये एक टाई अप पैटर्न में टॉप है, मतलब इसको आपको इस तरफ से दूसरी तरफ टाई करना है एंड ये वाला जो पोर्शन है इसको भी आपको दूसरी तरफ टाई करना है। मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगी साइड पे, आप देख लेना इसका पैटर्न। सो इसमें आपको फुल स्लीव्स मिलता है, ये भी रिप्ड फैब्रिक में है एंड इसका फैब्रिक भी स्ट्रेचेबल है। मैंने इसमें भी लिया था स्मॉल साइज़, तो इसमें भी आपको 2-3 कलर ऑप्शंस मिल जाता है। ये टॉप भी बहुत ही सही लगता है पहनने के बाद, मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसका प्राइस है 190 रुपीज़। तो अगर आपको ये वाला टॉप अच्छा लग रहा है आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है ये वाला टॉप एंड इसके ऊपर भी देखो कितना सुंदर सा स्ट्रॉबेरी वाला प्रिंटिंग किया हुआ है। तो इसमें ऐसे आपको स्क्वायर नेक मिल जाता है एंड ऐसे पप स्लीव्स मिलता है, इसका फ्रंट एंड बैक दोनों इलास्टिकेटेड मिल जाता है एंड यहाँ पे ऐसे कुछ एक टाइप वाला डिटेलिंग मिल जाता है एंड इसकी लोअर पे ना ऐसे पेपलम वाली डिटेलिंग है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसका ट्राई ऑन पे आप लुक लेंथ एंड ऑल देख सकते हो, इसका इलास्टिक का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है और मैंने लिया स्मॉल साइज़ एंड इसका जो फैब्रिक है ना मेंशन था क्रेप फैब्रिक, सो दिस इज़ आल्सो कंफर्टेबल फॉर समर, आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही सुंदर क्यूट सा टॉप है, एकदम पिंटरेस्ट ही सब, सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इट कॉस्ट मी जस्ट 226 रुपीज़। तो अगर आपको लुक एंड ऑल अच्छा लग रहा है तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट मैंने ट्राई करा एक इंस्टाग्राम का वायरल टॉप, जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो लोग इस टॉप को देखे होंगे, मुझे बहुत टाइम से लेना था तो फाइनली मैंने ले ली। इसका क्वालिटी जो है ना फिल करने में इतना अच्छा लग रहा है कोई ब्रांडेड टॉप मैंने ले लिया है। आई डिडेंट एक्सपेक्ट कि इतना अच्छा आ जाएगा मीशो से। सो अब देखो इसमें ऐसे स्क्वायर नेक एंड फुल स्लीव्स मिल जाता है एंड इसका फैब्रिक का जो पैटर्न है अब देख सकते हो कुछ रिप्ट वाला पैटर्न एंड थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, मैंने स्मॉल साइज़ लिया है। और इसका जो लेंथ है ना ये क्रॉप है, इतना तक आ रहा है मुझे, मैं आपको ट्राई ऑन पे दिखा दूँगी। एक बेज कलर की जीन्स के साथ मैंने पहनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्बैनिक पे मिलता था ऐसा वाला टॉप बट मीशो भी अब टक्कर देने लगे हैं अर्बैनिक को, सो मुझे तो ये टॉप बहुत ही सही लगा। इसका प्राइस है जस्ट 315 रुपीज़, कैन यू गाइस इमेजिन, इतना कम प्राइस में मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे टॉप में कंफर्टेबल है थोड़ी सी क्रॉप टॉप में, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। हाई वेस्ट जीन्स के साथ पहन लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई जस्ट लव इट, दिस इज़ 10/10 फ्रॉम माई साइड।
नेक्स्ट मैंने लिया है टैंक टॉप की कॉम्बो, जिसमें मुझे एक ब्लैक एंड वाइट कलर की टैंक टॉप मिला है। सो इसमें कुछ ऐसा नेक एंड ऐसा पैटर्न मिल जाता है एंड ये क्रॉप्ड है, यू कैन सी। सो इसका जो फैब्रिक है ना, ये रिप्ड फैब्रिक में है, बहुत ही स्ट्रेचेबल है, दोनों का फैब्रिक बिल्कुल सेम है। एंड गाइस, इसका जो प्राइस है ना, इट कॉस्ट मी जस्ट 160 रुपीज़। मतलब अब समझ रहे हो एक एक का प्राइस कितना कम पड़ रहा है। तो मुझे इसका प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी तो एकदम बेस्ट लगा, इतना अच्छा क्वालिटी इतना सस्ते में। आप वाइट लेग जीन्स के साथ, स्कर्ट के साथ पहन सकते हो टैंक टॉप्स को, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ऐसे बेसिक कलर्स आपके पास होने चाहिए तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत ही सही प्राइस में मिल रहा है ये वाला। उसके बाद मैंने लिया है एक टी शर्ट। सो एक ओवरसाइज्ड क्रॉप टी शर्ट है, आप देख सकते हो इसमें कुछ एक ऐसा वाला प्रिंट मिल जाता है। एंड इसका जो कलर है, ये ब्राइट येलो कलर है। एंड मैंने लिया है इसमें मीडियम साइज। इसका फैब्रिक है प्योर कॉटन, एकदम सॉफ्ट सा फैब्रिक है, बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट। एंड इसको पहनने के बाद ओवरसाइज्ड लुक भी आ रहा है, तो आप देख सकते हो ट्राई ऑन पे कैसा लग रहा है। एंड ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है, आई थिंक ये वाला सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है पूरे हॉल में से। इसका प्राइस एक मिनट में बताती हूँ, इसका प्राइस है जस्ट 156 रुपीज़। तो आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, समर के लिए एकदम मस्ट हैव है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक बेसिक सा वाइट टॉप वी नेक वाला, तो इसमें कुछ ऐसा नेक मिल जाता है एंड फुल स्लीव्स मिलता है। इसका भी जो फैब्रिक है ना, ये भी रिप्ड फैब्रिक में है एंड काफ़ी स्ट्रेचेबल है। ऐसे बेसिक वाइट टॉप्स बहुत ही अच्छा लगता है, लाइट ब्लू कलर के डेनिम के साथ या फिर आप ब्लैक कलर के डेनिम के साथ भी पहन सकते हो। इसमें भी आपको दो चार कलर ऑप्शंस मिल जाता है। इसका जो ब्लैक कलर है ना, वो वाला मुझे ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप ट्राई ऑन पे इसका लुक देख सकते हो। सो इसका जो प्राइस है, इट कॉस्ट मी 164 रुपीज़ ओनली। सो आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है एक ओवरसाइज टी शर्ट, तो मैंने ये वाला टी शर्ट मंगवाई थी जिसके ऊपर ऐसे कुछ एक क्यूट सा प्रिंट मिल जाता है। एंड मैंने ली थी लार्ज साइज़, क्योंकि फर्स्ट मैंने मीडियम मंगवाई थी, वो मुझे ओवरसाइज्ड वाला लुक नहीं दे रहा था, तो बाद में मैंने इसको एक्सचेंज करके एल ले लिया। एंड इसका भी जो फैब्रिक है ना, ये भी कॉटन फैब्रिक में ही है, बट ये येलो वाला का फैब्रिक ज़्यादा अच्छा था। सो आप देख सकते हो इसका एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, 200 के आसपास होगा, तो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। एंड इसका लुक भी आप ट्राई ऑन पे देख लेना, अच्छा लगे तो इसे भी ट्राई कर सकते हो। सो आज की वीडियो की लास्ट टॉप है ये वाला टॉप, एंड ये भी बहुत ही सुंदर से टॉप है। इसमें आपको ऐसे स्क्वायर नेक मिल जाती है एंड फ्रंट पे ऐसे टाई अप वाला डिटेलिंग के साथ थोड़ी सी रुस्ट वाली पैटर्न मिल जाती है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग टाइट या फिर लूज कर सकते हो। और इसका फ्रंट का जो या का पैटर्न है ना, ये थोड़ा सा राउंड वाली शेप में मिल जाती है, मैं ट्राई ऑन पे दिखा दूंगी। एंड इसका बैक आपको पूरा ही इलास्टिकेटेड मिल जाता है। सो इसमें ऐसा फुल स्लीव्स दिया हुआ है, स्लीव्स के स्टार्टिंग पे, मिडिल पे एंड लोअर पे इलास्टिकेटेड है। इलास्टिक का क्वालिटी बहुत अच्छा है, ज़्यादा चुभने वाला नहीं है, तो बिल्कुल सॉफ्ट गर्ल वाला लुक आता है इसको पहनने के बाद। एंड इसका जो फैब्रिक है ना, ये मंशन तक क्रीप, बट दिस इज़ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फॉर समर, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी लग सकता है इसको पहनने के बाद, क्योंकि फुल स्लीव्स है एंड क्रीप फैब्रिक है, सो दैट्स वाई। एंड इसका जो प्राइस है ना, इट कॉस्ट मी 389 रुपीज़। तो लुक के अकॉर्डिंग एंड ओवरऑल सब कुछ मुझे अच्छा लगा, वर्थ द प्राइस लगा। तो आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, यही था आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।